न बिजली है, न पानी है, न शिक्षा है, न सड़क है, तो फिर क्या है? जिंदगी एक जंग है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, आजादी का अमृत काल चल रहा है, पर इस अमृत काल में भी कुछ लोग हैं जो रोज एक जंग लड़ रहे हैं। कच्चे मकानों का ये गांव है पाकुड़ का टांड भीटा। झारखंड बने भी 2 दशक हो चुके, पर आज भी बस एक चूहे के सहारे ही पूरा गांव है, जहां लगभग 40 से 45 आदिवासी परिवार रहते हैं। सुन लीजिए इनकी व्यथा। टांड भीटा गांव में, संताल गांव में जो पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, जो सोलर टंकी लगा के द्वार द्वार पानी देना होगा, सर बहुत तकलीफ है अभी। क्या आपको शिकायत? स्कूल भी नहीं है और सड़क और बिजली। कितना दिन से बिजली नहीं है आप लोगों के गांव से? अच्छा, कितना दूर आते हैं आप लोग पानी ले आने के लिए? गांव से कितना दूर है? कुआं, सड़क भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बहुत दिक्कत है, ये व्यवस्था कर दीजिए। पानी कितना दूर लाते हैं आप लोग आने के लिए? बहुत दूर है। अच्छा, क्या इसका शिकायत आप लोग कभी बड़े अधिकारी को किए हैं, किसी को, मुखिया को बोले हैं, जैसे गाँव का विधायक हो या BDO, किसी को बोले हैं? हाँ बोले हैं। तो इनको सुनवाई नहीं हुआ है ना? नहीं सुनाते। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुंजबोना पंचायत के तहत आने वाले टांड भीटा गांव में खंभा, बिजली, तार सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मिसिंग सिर्फ एक चीज है और वो है बिजली। गांव में आज तक पक्की सड़क भी नहीं बन पाई है। हम मौजूद हैं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के टांड भीटा गांव में, जहां पर ना ही बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। आज भी यहाँ के ग्रामीण आदिम जनजाति के लोग मूलभूत सुविधा से कोसों दूर रहते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आने वाले विधायक, सांसद सबके तस्वीर और तकदीर दोनों ही ने बदल गए। नहीं बदले तो एकमात्र टांड भीटा ग्रामीणों का तस्वीर आज भी वही रह गए हैं जो झारखंड राज्य अलग होने से पहले था, और आज झारखंड राज्य अलग हो जाने के बाद भी यही हैं। सुबल यदुवंशी, पाकुड़, भारत न्यूज 20। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में भारत न्यूज 24। कोयला राजधानी धनबाद से बनेगा आम जनता की आवाज। धनबाद से 24 घंटे प्रसारित होने वाला पहला न्यूज चैनल। हम समस्या में नहीं, समाधान में विश्वास रखते हैं। हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं। सच के परोपकार हैं और आम लोगों की आवाज बनते हैं। सच जाना हम वहां।